Hey guys, welcome back to another video. So guys, Free Fire के अंदर आपको बता देता हूँ गिल्ड के लीडर के पास कौन सी पावर होती है, इस वीडियो में आपको बताने वालों। और गिल्ड लीडर कस्टम क्लेम ना करे तो भाई क्या होता है। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। सफर स्टार्ट करते हमारे आज के वीडियो को। सबसे पहले आपको यहाँ पर गिल्ड पर क्लिक कर देना है और अभी आप देखो कि हमें लीडर, ठीक है, तो गिल्ड के लीडर के पास कौन सी पावर होती है उससे पहले हम बताते हैं ऑफिसर के पास क्या क्या पावर होती है। 2000 years later. तो गाइस अभी मैं आज को ऑफिसर वाली आईडी से, सो गाइस ऑफिसर वाली आईडी में भी हम देख लेते हैं क्या क्या पावर मिलती है ऑफिसर को, मतलब वो क्या क्या कर सकता है गिल्ड के अंदर। सो गाइस सबसे पहले तो आपको बताते हो तो वो यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है। सो गाइस हमारे गिल्ड में आने के लिए बस आपको हीरोइक में होना चाहिए, सीएस और बीआर आप दोनों में हीरोइक में हो तो आप हमारी गिल्ड में इजी तरीके से आ सकते हैं। और हमारी गिल्ड में ओनली सब्सक्राइबर आएंगे, चाहे वर्ल्ड का बंदा मास्टर में ग्रैंड मास्टर में ही क्यों ना हो, बट वो गिल्ड में नहीं आ पाएगा। इसके अलावा ऑफिसर में पावर होती है किसी को भी किक करने की, सो गाइस किक का ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा जो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को किक नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। जब भी लीडर वाली आईडी से आ चुको और लीडर किसी को भी ऑफिसर कैसे बनाएगा, सिंपली किसी के ऊपर भी क्लिक करेगा, जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर प्रमोट का ऑप्शन मिलेगा तो प्रमोट करते ही ऑफिसर बन जाएगा। इसके अलावा किसी और को ओनर बनाना है तो ओनर पर सिंपली क्लिक करते हो तो यहाँ पर ट्रांसफर ओनर और यहाँ पर कंफर्म कर देना, यानी कि ओके कर देना। अभी गाइस बिट्टू भाई है हमारे गिल्ड के एक्टिंग गिल्ड लीडर। वैसे मैं बिट्टू भाई को लीडर बनाना चाहता हूँ क्योंकि बिट्टू भाई बहुत अच्छे बंदे हैं और काफी ज्यादा अच्छा इनका भी यूट्यूब चैनल है। बिट्टू भाई के चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नाम दिख रहा है आपको, FF2 Tag। एक कमेंट आता है अगर ओनर कस्टम को क्लेम नहीं करे तो भाई सारे कस्टम ओनर को मिल जाते हैं, यानी कि 25-30 कस्टम मिलते हैं ओनर को। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर वो क्लेम ना करे तो खुद को भी कस्टम नहीं मिलेगा और अगर क्लेम कर लेता है तो सबको एक एक कस्टम ही मिलेगा, मतलब भाई ओनर को कोई भी फायदा नहीं होता। चलो किसी को इन्वाइट करना है तो आपको सिंपली इधर आ जाना और यहाँ पर वर्ल्ड में इन्वाइट भेजना है तो यहाँ पर स्पीकर वाला ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ से वर्ल्ड में इन्वाइट चला जाता है। सो गाइस आप देख सकते हो ये रहा वर्ल्ड में इन्वाइट जा चुका है। इसके अलावा अपने दोस्तों का इन्वाइट भेजना है तो आपको यहाँ पर फ्रेंड लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दोस्त मिल जाएगा जो भी गिल्ड में ना हो उस पर, इस प्रकार से कर सकते हो गिल्ड इन्वाइट तो वो इन्वाइट हो जाता है। ये थी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे आपको देनी थी। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू।